मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए चीन को नकद अदायगी क्यों की? करंटीना सेंटर्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। एनडीएमए के सारे मामला गड़बड़ है, लगता है ये बड़ा स्कैंडल है, मामले को गहराई से देखेंगे। कोरोना को नोटिस में अदालत उस्मा बरहम, एनडीएमए की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार। चेयरमैन एनडीएमए को कल करंतीना सेंटर का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजारत सनत पैदावार को दो दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत के तयन का भी हुक्म। समात एक माह तक मुलतवी। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन की जरूरत में इजाफा, कितनी ऑक्सीजन हेल्थ सेक्टरी को दी जाए और कितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को? एसएम पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की रोजाना की बुनियाद पर प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। एफबीआर ने लाहौर और कराची की ऑक्सीजन फैक्ट्री की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑडिटर्स को मॉनिटरिंग की ड्यूटी सौंपी गई है। मरासला जारी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का विफाक का तरीका बिल्कुल अकल से बाहर है। अखबारी बयान देने और नए नए मीटर ईजाद करने से फैलाव नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है, तो अगस्त 2018 से घबरा चुका हूँ। वज़ीर आला अब सिंध के वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले, कहा एक वज़ीर ने SOPs का मीटर बना दिया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद ना करते वक्त उनका मीटर कहाँ था? हम लॉकडाउन के लिए किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मुल्क में कोरोना से 119 घराने अपने प्यारों से महरूम। मजीद 4113 कोरोना में मुबतला मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रिकॉर्ड। असद उमर कहते हैं एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर गई, 50 लाख से ज़ायद लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके। तोरखम बॉर्डर आज से अफगान शहरियों के लिए 20 मई तक बंद, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों का हमला, 4 FC अहलकार शहीद, 6 जख्मी। शहदा में हवलदार नूर जमान, सिपाही शकील एहसानुल्ला, नायक सुल्तान शामिल। जख्मी CMH कोयटा मुंतकिल। ISPR के मुताबिक योप से मुलहक सरहद पर FC अहलकारों को निशाना बनाया गया। FC अहलकार बाड़ लगाने में मसरूफ थे। PP84 खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग के मलिक मौज़म, तहरीक इंसाफ के अली हुसैन और पीपल्स पार्टी के हबीब अहमद समेत 8 उम्मीदवार मध्य मुकाबल। पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन 154, 155 और 156 पर लीगी और PTI कारकुनों में कशीदगी। अफरात सरका दोबारा 2 हिंसों में जाना, 1 किलो चीनी की जस्तजू में दरबदर होते आवाम, लोगों की आमदन में कमी, नए पाकिस्तान की लाई तबाही बयान कर रहे हैं। 3 साल की हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है और अभी तक काबीना की तब्दीली जारी है। घिसी पिटी, फरसूदा और बेअमल खोखली बयानबाजी हो रही है। शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत पर तनकीद। शुगर माफिया की तरह पोल्ट्री माफिया भी टक्कर लेंगे और शिकस्त देंगे। शुगर फैक्ट्रीज पर हुकूमती कंट्रोल नहीं था, आपके दौर में एक उंगली से कानून बनते और इशारे से ख़त्म होते थे। चैलेंजेस के बावजूद इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। माफियाज की जड़ें काटने में थोड़ा वक्त लगेगा, आवाम को रिलीफ देंगे। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म दावा करते रहते हैं कोई भी मगरिब को उस तरह नहीं जानता जिस तरह वो जानते हैं, लेकिन क्या सच में उनको यूरोप की सियासत का अंदाज़ा है? बरतानवी मुआशरे से वाकिफ होना अलग चीज़ है और मगरिब की सियासत और इकदार को समझना एक और चीज़। एहसान इकबाल का वज़ीर आज़म पर तनकीदी ट्वीट। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस UAE में कराने का फैसला, ज़राए के मुताबिक NCOC ने कराची में PSL के मैचेस करवाने से मना कर दिया। बाकायदा ऐलान आज किसी वक्त मुतवक्के। और दूसरों के काम आए, जिंदगियां बचाएं, जिंदगियां बचाएं। खून के अतियात में नुमाया कमी से थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरा से दो चार, बोल न्यूज़ बन गया मजबूर मरीजों की आवाज़। खून के अतियात थैलेसीमिया के सिसकते मरीजों की फरियाद सुने, बेकसों की उम्मीद बने।